उधर फट हो जाएगा ना, निकट हो आप बता रही देख ले कुरेशियों पे तो सरकार बनेगी थी। हां बनेगा उधर जी। कौन? मैंने कहाँ लगाया आपका ही तो फोन आया अभी। यहाँ से आ, किसकी? मेरे वाली। सात कुर्सी? बिल्कुल नहीं, तुमने बताई तो है नहीं ब्लू भी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। अच्छा, क्या घटना हुई है उसके? नहीं, ये बदमाश आए सीढ़ी से घर में घुसे साइड से, और अंदर घुस के मैं सो अंदर कमर में सोया था, और आते ही साथ ही मुझे कब्जा लिया और उठा के मुझे मेरी कनपट्टी पे अमनचा रख दिया, और रखने के बाद में फिर बच्चों को उठाने शुरू कर दिए, उठा के बच्चों को, और बोले भाई लड़की को उठाई, सबको बच्चों की तरफ कर दिए, लड़की उठा के बोले अगेन तुम्हारे बड़े में आके गोली मार देंगे, नहीं तो सामान बताओ कहाँ रखा, चाबी दो सेफ की। लड़के ने डर के मारे चाबी दी और उन्होंने सेफ खोली, उसमें सामान निकाला 40,000 रुपये थे, और दो लड़कियों की चीज़ें थी, और एक उनकी माँ की बूंदे और शैम्पू थी, तीन जोड़ी शैम्पू ले गई हैं और दो जोड़ी कुंडल, एक जोड़ी बूंदे, एक हाथ का पचांगा और तीन शैम्पू पजेबे, ये चीज़ें गई हैं। और फिर उन्होंने मुझे दौंस दी, कहने लगे अगर किसी से कोई जिक्र करा या कुछ बोला है उक्का मशात में तो तुम्हारी गोली मार दूंगी, तुम्हें हम यहाँ देखें, हम बाहर देख लिया, और देखने के बाद में अगर बाहर घूमते मिले वहीं गोली मार देंगे, तुमने किसी से कुछ जिक्र करा। करीब वो आधा घंटा हमारे घोड़े वहाँ रहे, 3:15 बजे आए और 4:15 बजे वहाँ से निकल लिए, फिर लौट के आए, फिर लड़की वाले कहने लगे अगर जरा भी किसी ने शिकारा निकाल लिया तुम गोली मार देंगे, फिर तो तमंचा खोल के दिखलाया, उसमें से वो निकाली गोलियाँ दिखाई, कोई खाली नहीं है, ये पड़ा ये फूल है, तुम्हारा पूरे परिवार को भूल गया। लगभग कितना नुकसान है आपका? नुकसान बैठा कोई आधे किलो करीब चांदी है, और 3 तोले करीब सोना है, 40,000 रुपये। ठीक, ये नुकसान। कौन सी लड़की के लगाया? दोनों के लगाया। अर्शी के सजा पहले सजादी को उठाया, फिर छोटी बच्ची को कुछ नहीं कहा, छोटी बच्चे में छोटी से कुछ नहीं कहा, जो इन्होंने चीज मांगी दे दिया, कहने लगे और बताओ कहाँ है तुम्हारे मोबाइल पैसा परस कहाँ है, उनको जो हमारे पास दे दिया। चक्के गए उन्होंने भाई आपका सामान? 40,000 रुपये गए हैं और लड़कियों के जेवर गए। 40,000 तो नई तरीके से है ना, नया Thank you.
डकैती का मामला सामने आ रहा है, वो क्या मामला है सर? देखिए, मीरापुर कस्बे में दो घरों में रॉबरी का मामला प्रकाश में आया है। हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, विस्तार से बात की है जो दोनों घर के वादी हैं उनसे और उनके परिवार वालों से। उन लोगों ने कुछ व्यक्तियों पर संदेह भी व्यक्त किया है जो उनके रिलेटिव्स हैं संभवतः, इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी की जा रही है। घटना के संपूर्ण तथ्यों की जानकारी करके आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। हमारी तीन टीमें लगा दी गई हैं, आशा है कि जल्दी ही घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। ठीक।